नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन सा बेस्ट है इन्वर्टर। ये देखिए, ये माइक्रोटेक और ये उससे पहले मैंने आपको सुकम की किट दिखाई। दोनों में देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। दोनों में रिले के देख सकते हैं कि उसमें 10 एम्पियर की छोटी वाली रिले लगाती है, जबकि इसमें एक 10 एम्पियर की जगह पे 20 एम्पियर लगाती है ताकि ये लोड पर आपकी रिले ख़राब ना हो। ये एक अच्छी प्लस पॉइंट है माइक्रोटेक की। इसमें देखिए, सुकम में ट्रांसफार्मर लगी है, जबकि इसमें ऑप्टो कपलर और 100 किलो का 2 रेजिस्टेंस और डाइबोर्ड के माध्यम से बनाई गई है, जबकि माइक्रोटेक की हीट सिंक जो है वो बड़ी है ताकि गर्म कम हो, जबकि उसके प्रोसेसर आईसी और इसके प्रोसेसर आईसी ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसकी जो प्रोसेसर है और उसकी प्रोसेसर दोनों सेम टू सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसकी जो चार्जिंग है डबल एसीआर और सिंगल एसीआर दोनों पे होती है। इसकी भी डबल एसीआर और सिंगल एसीआर दोनों पे होती है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी ड्राइवर ट्रांसफार्मर से आपकी कंट्रोलिंग होती है चार्जिंग। फैन के लिए इसमें भी आपकी एक आईसी लगी हुई होती है, जबकि इसमें छोटी लगी हुई होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसकी जैक, आप देख सकते हैं इसकी जैक काफ़ी बड़े बड़े और थोड़ी दूरी पे हैं, जबकि आप वो देख सकते हैं कि उसकी जैक जो है वो थोड़ी छोटी होती है इसके अपेक्षा और काफ़ी नज़दीक में है। उसकी किट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड के बदले काफ़ी थोड़ी सी छोटी बनाई गई है ताकि कम स्पेस में उसकी किट लग जाए, और इसकी थोड़ी सी थोड़ी बड़ी और दूरी पे होती है ताकि आप इस पर वर्क करने में आसानी से माइक्रोटेक की आप वर्क कर सकते हैं। चेंज ओवर के लिए इसमें जो प्रयोग किया गया है उसमें ट्रांसफार्मर एक है और उसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, जबकि उसमें भी एक ऑप्टो कपलर प्रयोग किया गया है। आपको फ्यूज ब्लोन के लिए इसमें भी एक ऑप्टो कपलर का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, नए माइक्रोटेक में भी सेम टू सेम कुछ वैसा ही हो गया, लेकिन ये पुरानी बोर्ड और दोनों पुरानी की हिसाब किताब है। तो दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको माइक्रोटेक और सुकम दोनों की विभागों के बारे में भी बताऊंगा कि उसमें क्या अंतर है। दोनों के विभाग में देखने से पहले आप चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोटेक की विभाग के बारे में। तो दोस्तों, माइक्रोटेक में आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी दिखाया था दोनों में क्या अंतर है। माइक्रोटेक है जो सॉलिड सामान लगाती है और वो थोड़ी बड़ी किट बनाती है ताकि आम मैकेनिक उसे आसानी से रिपेयर कर सके, जबकि जो नए मैकेनिक्स हैं उनके लिए समझना भी आसानी होता है। हाँ, इनकी थोड़ी सी जो सर्किट है सुकम के अपेक्षा कुछ सर्किट जटिल है, जैसे कि चेंज ओवर की सर्किट जो है वो थोड़ी सी इनकी जटिल है, जबकि सुकम की चेंज ओवर की सर्किट बहुत ही आसान है। चार्जिंग सेम टू सेम है, ओवरलोड लो बैटरी लगभग मान के चलिए सेम टू सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है। सिर्फ इनकी चेंज ओवर जो सिस्टम है वो इनकी अलग है। अब देखिए, माइक्रोटेक में क्या होता है, जब स्विच ऑफ की जाती है तो आपका इन्वर्टर ऑन होता है, और जब स्विच ऑन की जाती है तो माइक्रोटेक का जो है स्विच ऑन करने पर माइक्रोटेक इन्वर्टर ऑफ हो जाती है। हाँ, इसमें मैंने और बहुत सारे लोगों ने देखा है कि इसकी यूपीएस सिस्टम जो है वो फ्लक्चुएशन करने पर रीस्टार्ट हो जाती है। अधिकांश जगह पर मैंने भी सिस्टम लगाया था तो वो रीस्टार्ट हो जाती थी, कई इन्वर्टर भी चेंज करके हमने देखे, लेकिन फ्लक्चुएशन करने पर थोड़ी सी अप डाउन वोल्टेज करने पर ये रीस्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक मैंने आपको माइक्रोटेक के बारे में। हाँ, अब माइक्रोटेक और सुकम के बारे में है तो अब चलिए हम सुकम की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सुकम की तरफ। सुकम इन्वर्टर में माइक्रोटेक की तरह ही चार्जिंग सिस्टम है और बिल्कुल वैसे ही इसकी ओवरलोड और लो बैटरी की सिस्टम है। प्रोग्रामिंग भी जस्ट उतनी ही पिन की है
और इनकी इंडिकेटर और फैन इत्यादि के कनेक्शन, यूपीएस सिस्टम सब कुछ वैसे ही है। हाँ, इनकी थोड़ी सी चेंजिंग है तो इनकी चेंज ओवर सिस्टम में चेंजिंग है। दोस्तों, ये चेंज ओवर बहुत बेहतरीन काम करती है, लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर 300 से ऊपर आ जाए तो ये जो आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो चेंज ओवर के करने के काम में आता है, ये आपकी कट सकती है, ख़राब हो सकती है, जबकि उसमें ऑप्टो कपलर के द्वारा करवाया गया है जिसमें उसकी ख़राब होने की संभावना बहुत कम है। अब रह गई इसकी सबसे अच्छी बात, इसमें है कि ये माइक्रोटिक की अपेक्षा काफ़ी सॉफ्ट काम करती है और कुछ हद तक इसकी कार्य अलग है। जैसे कि अब इसकी इन्वर्टर स्विच ऑन करने पर इन्वर्टर स्विच ऑन, इन्वर्टर ऑन होती है और इन्वर्टर स्विच ऑफ करने पर ऑफ हो जाती है, जबकि इस माइक्रोटिक में इसके सेम उल्टी फंक्शन है। अब रह गई बात इसकी यूपीएस सिस्टम की, तो दोस्तों ये यूपीएस सिस्टम इस कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन है। ये छोटी मोटी फ्लक्चुएशन पर ये रीस्टार्ट नहीं करती, इसकी ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें मैंने कंप्रोमाइज़ करके देखा है दोनों में से, देख कि अगर लेना हो तो अगर आपको यूपीएस या सेंसिटिव चीज़ चलानी है, जैसे कि मान चलिए कि डिजिटल टीवी इत्यादि जो हैं, जैसे कि आप डीवीडी प्लेयर चलाते हैं या फिर बहुत सारे गैजेट्स हैं जो यदि स्टार्ट से प्रभाव पड़ते हैं, उनके लिए ये सिस्टम बहुत अच्छी है। और अगर जनरली तौर पे देखा जाए तो इसकी जो चेंज ओवर सिस्टम है बहुत अच्छी है और इससे इसकी टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है। ये अब बात आ गई कि नंबर वन और नंबर टू, ये अलग की बात है क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ जिम्मेवार हैं, जैसे कि सर्विस, होम सर्विस कैसी है, इसकी प्रोडक्ट की सर्विस कैसी है, साथ में इसकी प्रचार प्रसार कैसा है, इसके आधार पर भी बहुत सारे चीज़ों का आकलन होता है। तो इसमें से मैं दोनों को लगभग 50-50 देना चाहूँगा, क्योंकि एक इसमें प्लस पॉइंट है चेंज ओवर सिस्टम की और यूपीएस सिस्टम की, तो क्योंकि यूपीएस सिस्टम इसकी बहुत अच्छी होती है तो इसकी माइनस पॉइंट है कि अगर हाई वोल्टेज मिल जाए तो ये चेंज ओवर सिस्टम ख़राब होने की संभावना होती है, जबकि माइक्रोटिक में वो चीज़ की बचत है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि माइक्रोटिक में रीस्टार्ट की प्रॉब्लम इसके अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो इसलिए दोनों की देखी जाए तो एक दो कमियां दोनों में हैं और दोनों में एक दो प्लस, इसका कमी उसका प्लस पॉइंट, उसका माइक्रोटिक की कमी सुकम की प्लस पॉइंट, सुकम की कमी माइक्रोटिक की प्लस पॉइंट, इसलिए दोनों को मैं 50-50 देना चाहूँगा। और बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं वीडियो लाता रहूँगा मैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से बाहर चला गया था। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।